प्यारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी थी की बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत कमाल के स्क्रीन राइटर हैं, रोहन शंकर नाम है उनका। कैसे रोहन भाई आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था कि यार कोई बुलाए तो बातें करे कैमरा पे। सर स्क्रीन राइटर बचपन से बनना था? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं बनना था। एक्चुअली ये बहुत एक्सीडेंटल हुआ है। क्या हुआ कि मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था, मेरे फादर को बहुत ज़्यादा शौक था। तो माई फादर वॉज वन ऑफ द पर्सन जो 10 साल की उम्र में यू नो उनके फादर एक्सपायर हो गए तो सब्जी बेचने लग गए, लेकिन फिर भी एक फिल्म देखते थे, स्कूल जाते थे, काम करते थे। तो मैं जब बड़ा हुआ ना तो बहुत स्ट्रेंज था, क्योंकि वो बचपन में सबको अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं ना माँ बाप की, भाई परियों की कहानियाँ, महाभारत की कहानियाँ। मेरे फादर मुझे सुनाते थे कि शोले जो है मिनरवा में 7 साल चली थी, दीवार जो है उसमें टिकट बुकिंग ब्लैक की ऐसी हुई थी, और कूली के लिए जो है बच्चन साहब हम उस बिल्डिंग के यहाँ से जाते थे। तो यू नो आई टू, तो मुझे फिल्म और मतलब बहुत स्ट्रेंज था, क्योंकि मैं बोलता था मुझे मूवी जाना है, कभी मना नहीं करते थे, विच वॉज मेरे सारे दोस्तों के लिए होता था कि यार ये कैसा बाप है। हाँ, कि ये तो बेस्ट पापा है। नहीं कि ये बच्चा फिल्मों के लिए मना ही नहीं करते थे, कभी 10 पैसे दे देते थे, मेरे कजिन को बोलते थे इसको लेके जाओ उसको देखनी है। सो वो फिल्मों का शौक था, बट फिल्मों में कुछ करना था। मैंने BSc फिजिक्स ग्रेजुएशन किया, फिर मुझे MBA वगैरह मुझे लगा नहीं कि मेरे बस का है, मुझे उतना दिमाग था नहीं। तो क्या हुआ था, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, तो मैंने RJ रेडियो जॉकी वर्कशॉप किए, वहाँ पे पता चला कि शायद थोड़ी सी अच्छी बातें कर सकता हूँ या जो भी है। तो मुझे मैंने काम ढूंढना शुरू किया, तो 2008-09 की बात है, तो उस वक्त काम था नहीं बॉम्बे में। रेडियो जॉकी और रेडियो सारे सुपरस्टार्स थे, बहुत बड़े बड़े लोग पीक था उस टाइम, मतलब कि तो फिर नया आदमी इजली नहीं आ हाँ सकता था। और मतलब था कि मैं जब एक हाथ दो स्टेशन में गया ना तो मुझे पता चला कि जैसे अपनी CD बना के हम रखते थे, तो मैं CD रखा ना तो मुझे पता चला कि उस बंदे ने मेरी एक CD रखी जहाँ पे 30-40 CDs ऑलरेडी रखी थी, तो उसे नीचे रख दी है ना। तो ऐसा है कि पॉसिबिलिटीज होती ना कि यार नंबर कब आएगा, तो मैं बोला यार ये तो नहीं होने वाला है ना। पर फिल्मों में इंटरेस्ट था, तो मुझे किसी ने बोला था कि आप अब फिल्मों में जाओगे आप क्रिएटिव हो शायद, यू नो किसी ने बोला था। तो मैं अब उस वक्त क्या होता था कि आपको पता होता था, दो ही चीज़ें मुझे पता थी, एक तो डायरेक्टर होता है, एक होता है एक्टर। तो फनी रियल किस्सा है, मैं गया FTI, मैंने देखा कि वहाँ को 20 ही सीट है, 20 सीट में भी कुछ रिजर्वेशन है, फिर उसमें भी कुछ NRI सीट्स है। फिर 2-3 बड़ी बड़ी फिल्म इंस्टीट्यूट में देखा, उनकी फीस इतनी ज़्यादा थी कि आप पे, कि हाँ। मेरा घर घर चला जाएगा, वो चला जाएगा हाँ, तो भी नहीं मिलेगा हाँ। तो मैंने यार क्या करूँ, तो फिर मैं एक जी इंस्टीट्यूट था यहाँ पे, जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया जीमा लोखंडवाला में पीछे, मैं वहाँ गया और मैंने उनको जाके पूछा कि बेवकूफ की तरह कि मुझे डायरेक्टर का कोर्स, आई वाज लाइक 22 23, तो मैंने डायरेक्टर का कोर्स करना है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा उसका फीस है 1.5 लाख। बोला अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो बोला एक्टर, तो उन्होंने बोला 1.5 लाख। हाँ। ऐसा कुछ मतलब नॉट एग्जैक्टली 1.5 लाख, बट ऐसे हाँ, कुछ रेंज था, अमाउंट अच्छा था, अमाउंट था। तो मैंने ये कहा कि मतलब अच्छा, तो मतलब और क्या क्या कोर्सेज है आपके पास? तो उन्होंने मुझे एक शीट दिया जिसमें कोर्सेज थे और फीस था, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैग्रेशन नहीं है। हम जैसे होटल में जाते हैं ना, पैसे नहीं होते, करेक्ट, कि 10 ही रुपए भाई होटल में आके क्या करोगे, 10 रुपए में क्या खा सकते हैं, एक पापड़ मंगा लो कि फड़े वड़े। तो मैंने ऐसे देखा 1.5 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख 75,000, और मैं बोला 25,000 स्क्रीन राइटिंग। तो मैंने बोला ये वाला करना है, ये अपने बजट में। तो मैंने बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट इंट्रोड्यूस्ड कि मुझे सिनेमा में आना था, या सिनेमा में इंट्रोड्यूस तो हो जाऊँ यार, कुछ तो पता चले कि क्या होता है। तो मैं वो कोर्स किया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, एक फॉर्मेट पता चला, और जनरली ये चीज़ भी पता चली कि राइटिंग जो है आप फॉर्मेट पता कर सकते हो, लेकिन आप जितना लिखते जाओगे उतना सीखते जाओगे, उतने बेटर राइटर बनते जाओगे। वो क्रिएटिविटी कर कर के आई, क्योंकि स्पोर्ट्स की तरह है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बैट्समैन बनोगे। वो वैसे ही मुझे कुछ था, तो मैंने वो किया, फिर कुछ कहानियाँ लिखी, फिर घूमा फिरा बहुत जगह पे,
फिर रियलिटी पता चली कि भाई बहुत ही मुश्किल है, ऐसा ऐसा होता है, बहुत नहीं मिलने वाला काम, कोई कहानियां नहीं सुनता भाई। फिर मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर किया, फिर मैंने प्रोडक्शन मैनेजर किया, फिर मैंने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर किया, फिर मैंने जो जो मिला वो किया इस चक्कर में, मेरे पास आया मैंने सब किया। हाँ, जो इस चक्कर में कि कोई तो बोले कि भाई यार एक राइटिंग के लिए कोई तो मौका दे दे, मैं लिखता हूँ। तो फाइनली वो मौका मुझे मिला। मैं एक्चुअली मैं प्रोडक्शन कर रहा था, एक FTI की फिल्म थी, उसमें राइटर थे शांतनु श्रीवास्तवा, जिन्होंने तेवर और बधाई हो ऐसी वाली फिल्में लिखी है। तो एट दैट टाइम ही वॉज राइटिंग तेवर, ही वॉज शूटिंग फॉर तेवर, और उनके DOP थे लक्ष्मण उतेकर। तो मैं प्रोडक्शन कर रहा था, शांतनु राइटर था, मेरी बहुत बातें होती थी शांतनु, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट गाइस। आपको होता ना कि यार मेरे को बनना है तो बता कैसे कैसे। हाँ, तो वो भी बहुत बढ़िया इंसान है। तो बातें करने से बताता यार मेरे पास, भाई मेरे पास कहानियाँ हैं यार ये। तो तेवर के सेट पर लक्ष्मण उतेकर ने शांतनु को पूछा कि यार मुझे कोई राइटर चाहिए मराठी फिल्म के लिए। तो शांतनु ने बोला यार मैं एक बंदे को जानता हूँ, उसने लिखा तो है नहीं लेकिन वो अच्छा है। तो उसने मेरा नंबर दिया। यू नो बड़ी बात होती है बहुत की छोटी भले। हाँ, नंबर देने में किसने कोशिश की, शुरुआत की है कोशिश। हाँ यार, और वो राइटर था तो शायद समझ सकता था। तो मैं लक्ष्मण सर से मिला, लक्ष्मण उतेकर सर से, फिर वहाँ से वो मराठी फिल्म लिखी। फिर उसके बाद एक उसके दौरान मैंने एक हिंदी स्क्रिप्ट लिखी थी, लुगा छुपी जो लिखी थी, सबको पता है। हाँ, तो मैंने एक ड्राफ्ट लिखा था, मुझे लगा था कि एक कॉमेडी। उस टाइम कौन से ईयर की बात है लुका छुपी? तो लुका छुपी रिलीज तो हुई थी 2019 में। हाँ, बट लिखी कब थी? मैंने लिखी थी 2014 में, फर्स्ट ड्राफ्ट लिख दिया था मैंने। फिर वो मराठी फिल्म से पहले मेरे पास एक ड्राफ्ट रेडी था। मराठी फिल्म 2016 में रिलीज हुई, बट उससे पहले फिर लुका छुपी ड्राफ्ट लिखा था। तो मैंने लक्ष्मण सर को सुनाई थी 2015 या 14 में ही। लालच होता है यार, इतना अच्छा डायरेक्टर है तो मैं वाला सुनाता हूँ। उन्होंने सुनी तो उन्होंने बोला यार ये तो पूरी यूपी की फिल्म है, कॉमेडी है, पहले तो बोला यू नो। तो मैं तो इस जॉनर में, क्योंकि वो थोड़ा जॉनर उनका अलग था जो मराठी फिल्में बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यार ये ना मैं कुछ और करते हैं। तो उसके बाद मैं 1.5 साल और लेके घूमा सब तरफ, सबको अच्छी लगती थी। कोई ऐसा कोई किस्सा की मतलब? यार किस्सा तो मेरा क्या होता था, तो नहीं मतलब ये कंप्लीट करूँ कि फिर उसके बाद जो मराठी पिक्चर हमने की लक्ष्मण सर, मैंने वो चली नहीं है ना, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। तो फिर अब लक्ष्मण सर को मैंने बोला सर वापस एक बार सुन लो। तो उन्होंने 2016 के एंड में सुनी, उन्होंने बोला कि अभी हम करते लेकिन विल गो टू मथुरा, विल गो टू वृंदावन और ग्वालियर जहाँ पे लिखा है, ये हो सकता है। हाँ, और वहाँ पे जाके अब एक और ड्राफ्ट बनाएंगे, कुछ अच्छा ऐड करेंगे, तब जाके फिर वो चीज़ हुई। लेकिन किस्सा ये कि उस वक्त क्या होता था ना कि राइटर्स बहुत अलग टाइम था कि ना, मुझे कोई भी बुलाता था ना सड़क पे, मैं चाय पी रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ और मैं एक दोस्त से बात कर रहा हूँ और एक दूसरा बंदा आया, तो उसने दोस्त ने बोला अरे हाँ कैसे कैसे, अरे ये TV के डायरेक्टर है। तो मैं बोला अच्छा अच्छा, अरे ये राइटर है, फिल्म कुछ की नहीं, मराठी फिल्म की है, कुछ देख रहा है, अच्छा कुछ है तो बताओ यार। मैं बोला है सर। अच्छा भाई, मैंने उनको नरेट कर ली। मैं ऐसा होता था कि मुझे सिर्फ बताना होता था, एक मैसेज आना होता था, फोन आया अरे कोई प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट ढूंढ रहा है। मैं भाई कल्याण से ट्रैवल करके आता था। एक फनी दो कितनी फनी चीज़ें हुई, कितनी बार तो ऐसा हुआ कि मैं किसी प्रोडक्शन हाउस में एंटर किया हूँ। वो आपको पता चलता है कई बार किसी ऑफिस में एंटर करके कि यार इनके पास पैसे नहीं है पिक्चर बनाने के लिए है ना, बट आपको क्या होता है कि आपको उम्मीद होती है, आपको लगता है ये बंदा कहीं तो लेके जाएगा मुझे यार। करेक्ट, हाँ, दो नए रिश्ते ही बना देगा, काम आएगा। हाँ, यू नेवर नो ना। करेक्ट, तो आपको पता होता है कि यार बहुत ही मतलब हर कोई आदमी स्ट्रगल करता है, जूझता है, बट कई बार आपको कुछ किसी जगह पे जाके पता चलता है कि यार ये पिक्चर नहीं बना सकता। बात पैसे की नहीं है, बट नहीं, हाँ, आपको पता लगे, एक वाइब होती है, एक वाइब हो जाती है, और आप स्पेशली अगर आप 30-40 लोगों को मिल चुके हो, 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको एक्सपीरियंस हो गया ना कि हमने देख लिए जो बनाने करने वाले और ना करने वाले लोग। हाँ, तो उसके बाद भी मैं ये नहीं बोलता था कि नहीं यार मैं निकल नहीं जाता था, बहाना भी मैं बोला यार मैं 3 घंटा ट्रैवल करके आया हूँ, मैं पूरी सुनाऊंगा। हाँ, सही बात है, मैं पूरी सुनाऊंगा, मुझे पता नहीं बनने वाली। हाँ, लेकिन वो सुना के जब सुनाता था तो कभी कभी मुझे अच्छा लगता था यार अच्छा तो है। और सर ऐसा होता है, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, कि जब आप कहानी पूरी बताते हो तो एक और आइडिया उसके साथ आ जाता है। हाँ, जितनी बार आप पूरी सुनाओगे यार इसको थोड़ा ऐसा और बेटर कर सकते हो यार। वो क्या होता था पता है कि कई बार ना जो स्क्रिप्ट आप सुनाते थे उसके जो सीन्स होते थे ना, तो कई बार
वो सीन्स के साथ आपको दूसरा सीन सूझता था एट द सेम टाइम, एक डायलॉग सूझते थे जो लिखे हुए नहीं है, नहीं है। आप और मुझे ऐसा लगता यार ये ना अब मेरे जो नरेट कर रहा हूँ मेरे दिमाग में चल रहा है ये शायद ये कैरेक्टर बाद में लाइन बोल सकता है, मैंने लिखा तो है नहीं लेकिन फिर वो सेकंड हाफ में जो सीन आता था मैं बोल देता था। करेक्ट, यू नो वैसे वो कर करके निकल के आता है। और आइडियाज तो आते हैं, लोगों के फीडबैक्स जो होते हैं तो सरप्राइजिंग होते हैं, किसी को कुछ कैरेक्टर पसंद आता है, किसी को कुछ अलग लगता है, यू नो आप 10 लोगों को अगर आपकी आपने दुनिया की कितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी हो अगर आप 10 अलग लोगों को नरेट करो ना आप कंफ्यूज हो जाओगे उनके फीडबैक से, क्योंकि हर कोई अलग चीज़ देख रहा है। कोई बोल रहा है इसमें ह्यूमर बढ़ाओ, कोई बोल रहा है इसमें रोमांस बढ़ाओ, कोई बोल रहा है रोमांस सही है इसमें लड़की का रोल बढ़ाओ, कोई बोल रहा है ये कर रही है उसमें ये बढ़ाओ, तो ऐसे 50 फीडबैक आते हैं, यू नो एंड यू टू टैकल दैट, थोड़ा सोच के कि क्या करना है। मुझे लगता है एंड ऑफ द डे यू व्हाट यू डू इज व्हाट यू आर कन्विंस्ड अबाउट, कि अब आप मैं कन्विंस हूँ कि ये सही है या आपका डायरेक्टर कन्विंस है, तो दैट्स आई डू, दैट्स व्हाट यू डू। हाँ बट जितने स्क्रीन राइटर आज मार्केट में हैं एक होता ना कि कैसे लोगों को पिच करना चाहिए। हाँ तो ये सवाल मेरे पास काफ़ी बार आया है। जनरली क्या होता है कि पहले कुछ स्क्रीन राइटर्स का ये होता है कि वो कहानियाँ लिखते हैं और ये सोचते हैं कि यार हम मेल नहीं करेंगे या किसी को बताएंगे नहीं इस डर में कि शायद यार कोई चुरा ना ले है ना। बट ये वही बात होगी कि अभी आप जब तक भेजोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा तुम्हारे पास अच्छी कहानी है। करेक्ट बात है। आप जब तक सुनाओगे नहीं तो आपको कहानी रजिस्टर तो पहले करनी है ना, राइटर एसोसिएशन में आ जाओ, SW में करो, फिल्म वाले को बेटर है वो, और आपको सुनानी है। और मेरे लिए क्या वर्क किया बताए, मेरे लिए मैंने कहानियाँ बहुत लिखी थी, लेकिन आप जब कहानी सुनाते हो ना किसी को तो शायद सामने वाला बंदा वो पूरी तरह से कई बार इमेजिन नहीं कर पाता उसको कि कैसी बनेगी, क्या इम्पैक्ट होगा। तो उसके लिए बाउंड स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी होती है कि 80-90-100 पेज की स्क्रिप्ट विद डायलॉग अगर आप मैनेज कर सको लिखना और आप बोलो कि मेरे पास बाउंड स्क्रिप्ट है तो शायद आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और डिलीवर किस तरीके से कर रहे हो आप स्क्रिप्ट, वो भी मैटर करता होगा ना। डिलीवर इन द सेंस कि जब आप सुना रहे हो तो आपका टोन, नरेशन, वोकल, वॉइस, आपका नरेशन, हाँ वो क्या होता है कि मैं तो शुरू से थोड़ा सा उस बातूनी बंदा रहा हूँ तो क्या होता है कि मुझे कहानियाँ बताना या फिर ऐसे बातें करना अच्छा लगता है, तो ऐसे लोग शायद अच्छा नरेट कर लेते हैं या फिर उनको मजा आता है ना क्योंकि बात करते हैं सबसे। हाँ बात करते हैं तो आपको आपके खुद के पंचेस लिखे होते हो, आप खुद ही हंसते रहते हो, पिक्चर बने ना बने मैं खुश हूँ ना। हाँ और जब आप वो रियल इमोशन में, जब हम थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे, जब आपके खुद के रियल इमोशन दिखते तो वो सामने वाले को भी दिखते हैं। हाँ तो लेकिन हर कोई बंदा, आई अंडरस्टैंड कि मैंने बहुत सारे राइटर्स को मिला, मेरा दोस्त है, हर कोई बंदा अच्छा नरेट नहीं कर पाता, विच इज़ ओके। थोड़ा सा यहाँ पे इस स्पेशली इस इंडस्ट्री में या हिंदी सिनेमा में या फिर इंडियन सिनेमा में नरेशन ज़्यादा वर्क करता है क्योंकि आप सामने वाले को पूरी दुनिया दिखा देते हो, टोन दिखा देते हो। रीडिंग में क्या होता है कई बार कई एक्टर्स रीड करते हैं या स्टूडियोज़ रीड करते हैं तो उस टोन में रीड नहीं करते जिस टोन में लिखा है, लिखा हुआ है। करेक्ट, कि कई बार ना कि जैसे अगर मैंने लिखा है अभी भाई क्या कर रहा है भाई, ये मैंने लिखा है, लिखा वर्ड क्या लिखे क्या कर रहा है बे, तो पढ़ने वाला पढ़ेगा क्या कर रहा है बे, लेकिन मैं जब नरेट करूंगा अबे क्या कर रहा है बे, तो आई एम सेइंग कि उसको वो उसमें भी ह्यूमर आ सकता है। पंकज त्रिपाठी अगर बोलेंगे क्या कर रहा है बे, मनोज वाजपेयी बोलेंगे, आई एम सेइंग एक्टर्स अलग अलग बोलेंगे तो उसमें अलग चीज आ जाएगी, अलग चीज आती है। राजपाल यादव बोलेंगे तो हाँ, अलग जाएगा। कई बार स्टूडियोज या एक्टर्स शायद क्योंकि आप अलग, अगर आपने ऑथेंटिसिटी थोड़ी है स्क्रिप्ट में डायलॉग्स में तो वो टोन होता है ना, वो टोनैलिटी के लिए आपको स्पेशली कॉमेडीज में, कॉमेडीज में बहुत ज़्यादा मैटर करती है टोनैलिटी की, तो टोनैलिटी के लिए नरेशन मुझे लगता है बेटर है, ज़रूरी है, थोड़ा सीख लो अगर आप नरेट नहीं कर पा रहे हो तो स्टिल, क्योंकि आपकी बात तब एग्जैक्ट कम्युनिकेट होगी वरना वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है, हो जाएगा। हाँ, वो फ्लो टूट गया तो हाँ, और फिर उनको लगता है यार पंच मज़ा नहीं है, बिकॉज रीडिंग में कई बार आप सिर्फ पंचेज ढूंढते हो ह्यूमर के लिए। करेक्ट, कई बार एक सिचुएशन भी फनी है ना, लुका छुपी जैसी फिल्म में पता नहीं कितने पंचेस है लेकिन सिचुएशंस फनी है, बहुत फनी। तो आप जब सिचुएशन नरेट करते हो
कि भाई साहब ये यहाँ से आता है, वो वहाँ से, और इसके पीछे भाग रहा है, और ये तो ये सिचुएशन फनी है ना। उसमें वो एक सीन है ना जब वो फेक हुआ है, मतलब नकली शादी के लिए जब वो दूसरे शहर जाते हैं, हाँ हाँ ग्वालियर जाते हैं, ग्वालियर जाते हैं, तो फिर उनकी लिव इन के लिए जाते हैं, हाँ लिव इन में रहने के लिए जब वो जाते हैं, तो वो वाई वो उनकी वो जो ओनर होती है घर की वो आती है, हाँ हाँ पड़ोसी होती है, पड़ोसी होती है ना उनकी लिव इन में। तो मतलब देखा जाए उसमें ऐसे कुछ डायलॉग्स नहीं होते, हाँ हाँ जहाँ हम बात कर रहे हैं, कोई डायलॉग नहीं है उसमें फनी, करेक्ट करेक्ट, बट वो सिचुएशन इतना फनी हो गया ना। ट्रू, अभी वही एग्जांपल ले लो तो आप अगर शायद वो सीन पढ़ना हो तो आप पढ़ोगे कि देयर इज अ नेबर हु इज जस्ट स्पीकिंग इन द हाउस एंड लुकिंग इन व्हाट इट इज, यू नो, अगर आप नरेश करना तो भैया ये आंटी आती है, आंटी देखती है खिड़की खोल के कोई लड़की, तो आप ऐसे नरेट करते, तो हिंदी में नरेट करते तो और अच्छा, जिस लैंग्वेज में लिखी है तो, और वो तो आप बताते हो नरेट करते हो क्या ना, आपको मौका मिलता है आप ये भी सामने वाले को बता सकते हो कि जैसे पड़ोसी होती है हमारी आंटी होती नजर, हाँ, रखती है ना, ये वैसी वाली आंटी है, वाली आंटी है। अब ये बात रीडिंग पे शायद उतना ग्रास्प ना करे आदमी, और नरेशन की अच्छी बात होती है कि आप सामने सामने करते हो, दो घंटे में हो जाता है। रीडिंग क्या होता है, कोई आदमी 10 पेज आज पढ़ लेगा, 10 पेज कल पढ़ लेगा, फिर फ्लाइट में टाइम मिलेगा वहां पढ़ लेगा, जब टाइम मिला पूरा फ्लो टूट जाएगा, है ना, हाँ, वो कनेक्टेड नहीं रह पाती। अब उसका पेट खराब है तो वो अलग से पड़ेगा, बीवी से झगड़ा हो गया है तो वो अलग पड़ेगा, है ना, करेक्ट बात, एकदम करेक्ट है। तो आप सामने सामने 2 घंटा करो, और मुझे आई प्रेफर दैट, आई लाइक दैट, किसी के साथ भी एक्टर प्रोड्यूसर और स्टूडियो पीपल हैं बड़े बड़े, आप सामने सामने करो और आपको पता चलेगा, आप करे ना करे दैट्स ओके, बट आमने सामने आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने जो बोलना था वो बोल दिया, उसके बाद नहीं कि इट्स ओके, करेक्ट। सर इंडियन सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा, हाँ एक कुछ चीज़ें जो वर्ल्ड सिनेमा में आपको बहुत अच्छी लगती हैं, या इंडियन सिनेमा में नहीं है, कुछ ऐसा इंडियन सिनेमा में जो वर्ल्ड सिनेमा में अच्छा नहीं है। वर्ल्ड सिनेमा मेरा क्या हुआ ना, मैं जो बहुत कंज्यूम करते वर्ल्ड सिनेमा, इतना मुझे पता है, मैं बहुत ज़्यादा पहले भी बहुत ज़्यादा करता था, हाँ। मेरा क्या हुआ ना, मेरी शुरुआत बहुत अजीब हुई, तो मैं जब ये फिल्म इंस्टीट्यूट गया ना, तो उससे पहले मेरे लिए वर्ल्ड सिनेमा मतलब वही था जो जुमांजी, जुरासिक पार्क, टर्मिनेटर, एक टिपिकल जो 4-5 फिल्में, जितना मैंने देखा टाइटैनिक, हाँ, तो ये 4-5 फिल्में होती थी जो वर्ल्ड सिनेमा भी होता था, यही है करेक्ट। बट वहाँ पे जाके कुछ दोस्त मिले, कुछ लोग मिले, तो मैं थोड़ा घुसने लगा सिनेमा में, फिर मामी फेस्टिवल आता था तो उसके पासेज निकाल के जाओ, पीफ पुणे में आता था, यू नो, तो फेस्टिवल में जो फिल्म सिनेमा आता था वो तो बहुत ही ज़्यादा अलग था, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि भाई कि एक मतलब एक बहुत ही मामूली से इंस्टेंस पे, वेयर इज माई फ्रेंड्स हाउस करके एक फिल्म है, अब्बास कियारोस्तामी, अब्बास कियारोस्तामी बहुत बड़े ईरानियन डायरेक्टर थे, उसमें एक बंदा, एक बच्चा है जो स्कूल से घर आता है और उसको पता चलता है कि यार ये मैं ना किसी का नोटबुक, मेरे दोस्त का नोटबुक लेके आ गया ईरान में, 80s के ईरान में। तो पूरी पिक्चर है कि वो अपने दोस्त का घर ढूंढ रहा है नोटबुक देने के लिए, उसके बीच की जर्नी है उसकी, है ना, और एंड में ऐसे मतलब कितना छोटा सा टॉपिक है पर कितना इंटरेस्टिंग बनाया। जो रे, जो मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ रे, सतीश रे साहब से, कि पथेर पंचाली देख लो, या फिर इनकी बहुत अच्छी फिल्म है महानगर जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, या फिर अब जो अपराजितो है, या शतरंज के लड़े, बट स्पेशली उस टाइम पे जो रे एक्टिव, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, या ऋत्विक घटक एक्टिव थे, तो इनकी कहानियाँ ना बहुत, उनके कहानियों में वो एक पॉइंट पकड़ते थे, एक छोटी सी चीज़ की, भाई आप कॉफ़ी पी रहे हो ना, यहाँ से मैं शुरू करूँगा, अब मैं 1.5 घंटे की आपको ऐसी कहानी बताऊँगा ना कि इसमें दुनिया के बारे में आप सोचने लग जाओगे, आपको आप अपने कॉन्फ्लिक्ट अपने बारे में सोचने लग जाओगे, पेरेंटिंग के बारे में, वॉर के बारे में सोचने लग जाओगे, आप सारी चीज़ों के बारे में सोच लेंगे। तो ये मुझे लगता, ये इन सिनेमा में शुरू में बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया, यूरोपियन सिनेमा में बहुत ज़्यादा किया। मजे की बात यह है कि मैंने सत्यजीत रे सिर्फ नाम सुना था, मैंने सिनेमा नहीं देखा था, उनकी बुक्स भी थी पहले तो, हाँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं पहले हिचकॉक का सिनेमा देखा, फिर मैंने बर्गमन देखा, ट्रोफाल, गोदार्द, फिर फ्रिज लैंग करके एक फिल्म मेकर थे जिन्होंने मेट्रोपोलिस बनाई थी, तो ऐसे सारे कुरोसावा, फिर वहाँ से देखो मैं यहाँ से घूमा ऐसे यूरोप से, जापान से, और जब कुरोसावा तक पहुँचा सबने कुरोसावा की तारीफ की कि भाई ग्रेटेस्ट कुरोसावा है, फिर मैंने कुरोसावा के बारे में पढ़ने लग गया। अब जो कुरोसावा ने बोला कि जिसने सत्यजीत रे की फिल्म नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा, तो बोला ये तो हमारा फिल्म मेकर है, करेक्ट है, वापस ये तो अब मैं घुसा रे में, यू नो, अब मैंने वो एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो वर्ल्ड सिनेमा का आपने जो बोला कि डिफरेंस, मुझे
ओवरऑल हर एक कंट्री का अलग सिनेमा है, उस कंट्री की सोशल इकोनॉमिक, मुझे लगता है सिनेमा हमेशा रिफ्लेक्ट करता है कि आपके मुल्क में या सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उस देश उस टाइम पे, उस देश में क्या चल रहा है उस टाइम पे। कि यूरोप का सिनेमा जो है आप देखो तो वो अभी तक वर्ल्ड वॉर से निकला नहीं है। करेक्ट, आप कुछ ना कुछ बनाते रहते, बनाते रहते, कोई भी कहानी कॉमेडी भी बना लेंगे तो उसमें एक वर्ल्ड वॉर का एग्जिस्ट करेगा, कोई सीन वहां पे, कोई कहानी उनकी। हाँ, जैसे आप देखिए पंजाब, हमारी पंजाबी फिल्मों में भी आपको कहीं ना कहीं एक पार्टीशन का रेफरेंस मिल जाएगा, आएगा क्योंकि उन्होंने वो सहा है, उन्होंने वो सफर किया बीता है, वो दौर वो बीता है, तो वो सोशल इकोनॉमिकल फाइनेंशियल जो भी स्टेटस होता है वो सिनेमा रिफ्लेक्ट करता जाता है। इंडिया इन सिनेमा की, मुझे इंडियन सिनेमा पहली बात तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें हर एक, हम अलग अलग कल्चर्स हैं ना, एक लैंग्वेज तो है नहीं, है नहीं, करेक्ट, तो मराठी अलग है, पंजाबी अलग है, तेलुगु अलग है, तमिल अलग है, मलयालम और पंजाबी सिनेमा बहुत ही अलग है, करेक्ट, यू नो, बंगाली और तेलुगु सिनेमा बहुत ही बहुत अलग है, जैसे हिंदी सिनेमा कई बार इन सबको लेके, हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा ये भी बनाने की कोशिश करता है, वो भी बनाने की कोशिश करता है, यू नो, ये भी क्योंकि लोग अलग अलग है ना, लोग अलग है, बट लेकिन हिंदी ने जोड़ के रखा है सबको। हाँ, हिंदी में एक एक अच्छी बात है कि आप मलयाली हो, पंजाबी हो, मराठी हो, जो भी हो, आप आके सिनेमा बना सकते हो, आप अपनी कहानी बता सकते हो, जो भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो भी टाइम लगेगा, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट देन यू कैन टेल अ स्टोरी बेस्ड इन दैट रीजन और वो सीज। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार इतनी लैंग्वेज का सिनेमा है, तो इसलिए हमारा लैंग्वेज का सिनेमा और उनका सिनेमा, वर्ल्ड का सिनेमा बहुत अलग है। इट्स लाइक आप पूरे यूरोप को पकड़ लो, ठीक है, आप पकड़ लो जर्मन सिनेमा, इटालियन सिनेमा, स्पेनिश सिनेमा, रशियन सिनेमा, बोस्निया हर्जेगोविना का भी ये सिनेमा है जो, और ऐसे कोई सिनेमा पकड़ लो, 10 इंडस्ट्रीज, इंग्लिश सिनेमा, अब दिस इक्वल टू इंडियन सिनेमा, अब इनका कंपैरिजन में आएगा तेलुगु सिनेमा, मलयालम सिनेमा, पंजाबी, सोचो कितना बड़ा है, बड़ा है, करेक्ट। अब इसके बाद भी इतनी रीच है, अभी आप सोचो अगर हमारी एक लैंग्वेज होती और एक लैंग्वेज सिनेमा होता तो आप सोचो कि क्या कितना रीच होता या कितना बड़ा होता, ग्रैंड लेवल पर होता जितना, जैसे आरआरआर जैसी फिल्मों ने तो ये तो दिखा दिया कि जो बाउंड्रीज क्रॉस कर दी उसने स्टेट्स की, कंट्रीज की, बाहुबली हो गई, बाहुबली हो गई, कंट्रीज की बाउंड्री क्रॉस कर दी, यू नो, सबटाइटल में या डबिंग में या जो भी है, बट आप देख पा रहे हो। मुझे लगता है कि हमारे जो रूट्स है ना, वो रूट्स वो हमको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं सिनेमा में भी, बाकी हमारा जो हिस्ट्री है इंडिया का वो भी इतना बड़ा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, करेक्ट, बहुत ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिच एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, या क्योंकि सिंपल बात करें तो अमेरिका जैसी कंट्री में, इस ए मल्टी कल्चरल कंट्री, राइट, लेकिन वो मल्टी कल्चर मतलब क्या है कि दुनिया के सारे कल्चर वहाँ आ गए, और लेकिन अमेरिका फिर भी यूरोप से बहुत, पूरा यूरोप से ही बहुत इंस्पायर है। हाँ, नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि उनका कैसे हो गया कि पहले स्पेनिश आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, है ना, 1700-1800 साल पहले उन्होंने कॉलोनीज बनाया शुरू किया, उन्होंने स्लेव्स लाए, अफ्रीका से लोग लाए, तो हर एक कल्चर के लोग आने लगे, चाइनीज आए, फिर इंडियन आए, तो और वो मल्टी कल्चरल बन गया। हमारा मल्टी कल्चरल शुरू से, हमारे यहाँ पे जो सारे अलग अलग कल्चर्स है वो तो शुरू से ही है ना, हमारे यहाँ कोई बाहर से नहीं आया, इसी जमीन पे सारे लोग आए थे, करेक्ट, हजार साल पहले मुस्लिम भी आए, मुस्लिम्स भी आए, यू नो, फिर सिखिज्म, बुद्धिज्म, उससे पहले बुद्धिज्म, लोग हिंदुज्म भी इतना बड़ा था कि हाँ, उसमें भी अपने आप में ये गुप्ता हिस्ट्री में, भाई, करेक्ट, साउथ का आप हिस्ट्री देखो, साउथ का हिस्ट्री बहुत अलग है, नॉर्थ ने बहुत अलग सहा है या झेला है या बना है, इनफैक्ट ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मतलब आप सोचो ना कितने ही पहले की बातों से एग्जिस्ट करते हैं। हड़प्पा यार मेरा मन करता है हड़प्पा देखने का, पाकिस्तान में है, मतलब है ना, तो कि क्या रहा होगा यार, क्या कैसा रहा होगा, 2-2.5 हज़ार साल पहले का है, उससे भी ज्यादा, मोहनजोदड़ो अभी तक वर्ल्ड में सबसे एंशियंट जो मिले हैं एग्जिस्टेंस से लोग। अभी मोहनजोदड़ो है, लेकिन अभी कुछ आई थिंक कुछ महीने पहले टर्की में, या फिर टर्की वहीं पे आसपास कहीं पे कुछ ऐसा मिला हुआ, 11,000 साल पहले के अवशेष मिले कुछ सभ्यता के, जो मुझे स्टडी करना है पहले, तो मुझे पता नहीं है, मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं, मैं भी जरूर, मैंने भी कहीं सुना था, इससे पहले वही लोग इजिप्शियंस को कहते थे सबसे पुरानी सभ्यता, क्योंकि आप तो पिरामिड्स दिखते हैं ना आपको,
पिरामिड्स आपको ऐसे करते हैं मतलब कि क्या चीज बनाई है ना, कैसे बनी है, आप पूरी जिंदगी बता सकते हो पिरामिड्स को, पिरामिड्स के बारे में सोचते सोचते कैसे बनी होगी उस टाइम पे, इतनी ना कुछ फैसिलिटीज थी, इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे ऊपर लेके गए होंगे वो लोग। वो मैंने तो दो तीन बुक्स भी पढ़ी तो उसके जवाब ही नहीं मिलते, सब थेरीज बनाई हुई हाँ, कि एलियंस ने बनाया होगा, सबकी थेरीज है और आप थेरीज भी आप एक पर आपको एग्जैक्टली जवाब मिल ही नहीं सकता क्योंकि मुझे मेरा एक थेरी है, हर एक मेरा भी एक थेरी है, मुझे लगता है कि एक बहुत इवॉल्व्ड सोसाइटी रही होगी 5-7 हज़ार साल पहले, 10 हज़ार साल पहले, और उस इवॉल्व सोसाइटी में पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी होगी कि नहीं, इंटरनेट होगा कि नहीं, बट उनकी अपनी चीज़ें थी जिसने उस सोसाइटी को इवॉल्व बनाया, उनके अपने टेक्निक्स थे। ठीक है, क्या पता यही रहा होगा पर नाम अलग रहे होंगे और टेक्नोलॉजी यही रही होगी बस कुछ अलग तरीके से बनाई। हाँ मतलब जो यूज़ को हो जाए, मतलब शायद उन्होंने कुछ ऐसी गाड़ियाँ बनाई होगी या ऐसे टूल्स बनाए होंगे, ऐसी क्रेन बनाई होगी जो पत्थर को ऊपर लेके जा सके, लेकिन हमने उस क्रेन के लिए पेट्रोल यूज़ किया, उन्होंने कुछ और यूज़ किया। और मेरे को लगता है वो लोग इतने इवॉल्व, मैं इस पे इस थ्योरी पे एग्री करता हूँ बस, कि वो इतने इवॉल्व हो चुके होंगे जैसे आज हम गाड़ी चला रहे हैं पेट्रोल से, हाँ। फिर हम सोचते हैं पानी से, हाँ। उनकी गाड़ी उन्होंने पत्थर से सिस्टम बनाया कि ये पत्थर लगे हैं, हाँ। इस पर पत्थर से चलाएं क्योंकि हमें जो एनवायरमेंट है उसको ख़राब नहीं करना। या यू नेवर नो, बिकॉज हमने पेट्रोल और डीजल भी क्यों बनाया कि हमारे पास किसी ने ऑप्शन लेके आया, ऑप्शन लेके आया तो, और इजी ऑप्शन था और ऑयल आ रहा था तो हमने बोला चलो डाल लेते हैं और वो सिस्टम बन गया, हम फॉलो कर रहे हैं। करेक्ट, यू नो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। ना भी इलेक्ट्रिक कार आ गई है, अभी चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं तो हम पेट्रोल डीजल को भी छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। करेक्ट, जर्मनी जैसा देश तो बोल रहा है कि हम 10-20 सालों में तो पूरा ही, क्या पता 100 साल बाद इतना एडवांस हो जाए कि हम लोग सनलाइट पड़ रही गाड़ी पे तो गाड़ी चल रही है, कि आपको इकोसिस्टम जो यू नेवर नो, हाँ, कि आप इन्वायरमेंट को कुछ खराब ही होने नहीं दे रहे, हाँ। तो उस वजह से क्या होगा कि आने वाली जनरेशन जब आएगी, देखिए गाड़ी तो थी या, जब हम लोग खत्म हो जाएगी ये सभ्यता, हाँ, पूरी, हाँ। दुनिया से हम लोग देखेंगे यार कुछ तो है ये पत्थर वत्थर का, अब क्या है ये, हाँ। तो क्या तो इतने एडवांस हो चुके होंगे, और सभ्यता कभी खत्म होती है तो जब वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो जाती है ना तभी खत्म होती है, या तो सभ्यता तब खत्म होती है जब एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर हो गया, या फिर न्यूक्लियर अटैक, कुछ जो हम मैन मेड, जो मुझे लगता है कि हम बहुत एक्सपर्ट है उसमें, लेकिन हाँ। तो अगर देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी थी कि जैसे पिरामिड्स की, तो पिरामिड्स के बारे में आप सोचने लग जाओ ना, ये आपको एक अलग दिशा में लेकर जाती है सोच, आम आदमी को भी, मतलब ऐसा कोई आप सिर्फ सोचने लग जाओ कि ये क्या किया होगा, फिर कैसे किया होगा, ये चीजें जो है ना आप अपने आप से सवाल करने लगते हो। तो मैंने भी सोचा कि यार, तो मैंने दो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ी, एक तो मैंने पढ़ी जैसे मनुस्मृति है ना, मनुस्क्रिप्ट, मनुस्मृति में तो लिखा है कि मनुस्मृति में या कि भाई एक बोट बनाई थी, उस बोट पे प्रलय आने वाला था, बोट पे जानवर इंसान आ गए, बोट समंदर से क्रॉस करने वाले, भगवान ने बोला था कि भाई बोट बनाओ आप। सिमिलर स्टोरी है जुडाइज्म में, जहाँ पे मोजेस को बोला था कि भाई बोट बनाओ और प्रलय आने वाला है। तो सोचो दुनिया के उस हिस्से में एक कहानी है रिलीजियस, जहाँ पे बोला है कि प्रलय आ गया बोट बनाओ, दुनिया के इस हिस्से में एक कहानी है जहाँ पे बोला है प्रलय आने वाला है बोट बनाओ। अब मुझे नहीं पता कौन सी कहानी किस कहानी से इंस्पायर है या कौन सी सच है कौन सी झूठ है, लेकिन एक चीज़ है कि हो सकता है कि उस टाइम एक प्रलय आया था। करेक्ट, हाँ, कि जो दुनिया में कि हो सकता है कि ऐसी कुछ कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी आई होगी जिससे सभ्यताएं खत्म होगी, जिससे शायद सभ्यताएं खत्म होगी, और पिरामिड जैसी बिल्डिंग जिसको शायद प्रलय से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एस्टेरॉइड से पड़ सकता है जैसे डायनासोर गायब हो गए, उस पे ही पड़ेगा तो अलग बात है, लेकिन बेस इतना स्ट्रांग है तो शायद प्रलय, जस्ट अ थ्योरी, मतलब कुछ भी हो सकता है, बकवास कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी हो सकता है, हाँ, बट ये चीजें बहुत एक्साइट करती है मुझे। लव लाइफ कैसी है सर आपकी? मेरी बहुत बढ़िया है यार, मैं शादी शुदा हूँ, मतलब एज अ स्क्रीन राइटर जो इश्क होता है, हाँ, उसको आप, आपकी नज़र में कैसे, आप कैसे देखते हो प्यार को, कैसा पार्टनर होना चाहिए, लव क्या आपके लिए? यार लव बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, पहले तो बहुत आसानी से जवाब दे देता मैं, लव क्या है यार, खूबसूरती है, अच्छा लगता है, बातें होती है, हंसी आती है, खाना खाते हैं, तो लव है, पहले तो बहुत ऐसे जवाब देता था मैं, है ना। अब मुझे बहुत लगता, मुझे पता नहीं, मुझे लगता है लव है जो आपको, आप मुझे अभी लगता है कि लव मतलब आप जिस इंसान के साथ हो वो आपको वो आपको दुखी ना करे ज़्यादा, है ना, ज़्यादा मेंटल पीस दे, यू नो, पीस जो है ना वो मुझे अभी
शायद मैं वो ज्यादा ढूंढता हूँ रादर देन हैप्पीनेस. आई यूज्ड टू अर्लियर लुक फॉर हैप्पीनेस. अभी आपको शांति ज्यादा लगती है? शांति ज्यादा तो शांति, क्योंकि मुझे लगता है कि हैप्पीनेस जो है ना वो मोमेंटरी होता है, वो आएगा एक जाएगा. यू नो पीस जो है ना एक बार आपने शायद अचीव कर लिया ना वो रहेगा आपके. तो लव मुझे लगता है उस इंसान के साथ रहो जिस इंसान के साथ लव. अभी आप कुछ भी बोल लो लेकिन मैंने जो कंक्लूजन में पहुंचा हूं कि एक इंसान आपको जिसके साथ रहने से आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता, आपका मेंटल पीस अच्छा है, मेंटल पीस होता है, ज्यादा कुछ एंजाइटी नहीं होती. झगड़े वगैरह ठीक है वो तो होते रहते हैं, बाद में वापस आप बात करते हो, लेकिन आपको लगता है कि यार कि ये इंसान मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा ना. और आप सोचते हो जस्ट एज अ राइटर यू इमेजिन. आई ऑलवेज इमेजिन सिचुएशंस, व्हाट इफ ये हुआ, व्हाट इफ वो हुआ. व्हेनेवर आई इमेजिन व्हाट इफ मेरी बीवी मेरे साथ नहीं है कल, यू नो, तो फिर मुझे बहुत दुख होता है, डर लगता है. तो मुझे लगता है कि शायद ये फिर ये वो सही प्यार है या सच्चा प्यार है. और सर जो मतलब ये जो कहा जो राइटर्स हैं, स्क्रीन राइटर्स जितने भी हैं, बॉलीवुड पूरा सिनेमा है, इसने जो कहानियाँ बनाई हैं, आपने देखो रिश्ते टूटते हुए बहुत बने, टूटे. और बॉलीवुड का बहुत इन्फ्लुएंस है इंडियंस इंडिया में पूरे. तो कहीं ना कहीं जो ये डिवोर्स होते हैं या कहीं ना कहीं वो जो स्क्रीन राइटर्स ने लिखा है, हाँ, रिश्ते टूटना, वहाँ से लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं. नहीं मुझे लगता है कि उसमें ऐसा कोई सॉरी देखो सिनेमा दो चीज़ें क्या होता है कि रियल तुम्हारी जो रियल हमेशा रियल लाइफ से सिनेमा इंस्पायर होता है, फिर सिनेमा से रियल लाइफ इंस्पायर होती है. ये सर्कल चलते रहता है आपस में, ये सर्कल है, ये चलते रहता है ना. कि आप एक स्पोर्ट्स फिल्म बनाओ, आप चक दे इंडिया बनाओ, एक एक विक्ट्री के ऊपर जो इंडिया ने अचीव की थी आप बनाओ क्योंकि आप उससे इंस्पायर हो, फिर आपके ऊपर चार हॉकी प्लेयर हो, पिक्चर देख के चार हॉकी प्लेयर इंस्पायर होके वो एक कप जीतेंगे, कप जीतेंगे, अब उसके ऊपर और दूसरी पिक्चर बनाओ. तो आई एम सेइंग कि हाँ कि वो एक ही कहीं ना कहीं डिवोर्स हुए हैं तो वो इंटरकनेक्टेड है. सिनेमा और जिंदगी जो है ना, अगर आप सिनेमा में ये नहीं बताओगे कि जिंदगी में क्या हो रहा है तो आप रिलेट नहीं करोगे. लोग आप वो कैरेक्टर नहीं बताओगे तो रिलेट नहीं करोगे. दो तरीके का सिनेमा होता है, या तो आप फैंटेसी देख लो, इमेजिनरी हो, या तो आप देख लो भाई एवेंजर्स एंड गेम, हाँ, बहुत अच्छा लगता है, या तो आप एक रिलेटेबल सिनेमा देख लो कि आपको लगता है यार ये हो सकता है, मेरा प्यार है, ये मैं ऐसा हूँ, मेरी बीवी ऐसी है, मेरा दोस्त ऐसा है, मेरी माँ ने यही बोला था मुझे, यू नो. तो वो एक सर्कल है, वो चलते रहना चाहिए. और आप खुद कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिनसे आप खुद बहुत रिलेट करते हो इंडियन सिनेमा में, यार ये तो मैं हूँ, कोई ऐसा किस्सा किसी? अरे मैं तो बहुत करता हूँ. मैं तो मुझे सबसे ज़्यादा मैं बताता हूँ कि पूरी मतलब जितना कोशिश की मैंने दुनिया भर का सिनेमा देखने की, बहुत मतलब सिनेमा वो महासागर है सिनेमा, मतलब खत्म नहीं हो सकता. हम बूंदी मैंने पी ली है बस, कुछ नहीं किया मैंने, बट उसके बाद भी जितना थोड़ा बहुत देखा है वो सब के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा. अगर फिर मैं हम लोग दोस्त मिलते हैं ना, गेम खेलते हैं कि तुम्हारी टॉप 5 फिल्में बताओ, तो फिर आदमी सोचता है, फिर मैं उसी बंदे को 15 दिन बाद पूछता हूँ टॉप 5 फिल्में बता, उसकी 2 फिल्में चेंज हो चुकी होती है, यू नो, बिकॉज इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन कि आपने रिसेंटली क्या किया है, कहाँ हो. तो मेरी टॉप 5 फिल्में में 2-3 फिल्में ऐसी हैं जो चेंज नहीं होती. वो है, एक है कथा सभी परांजपे की, नसीरुद्दीन शाह फारूक शेख की, एक है जाने भी दो यारो, एक है छोटी सी बात वासु जटर जी की, और एक शाहरुख खान की मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है, और वो पता नहीं वो अभी नहीं है, अभी से नहीं है, वो 20 सालों से है, 25 सालों से. कौन सी मूवी है वो? है कभी हाँ कभी ना, बहुत अर्लियर फिल्म है, उसमें उसका कैरेक्टर था सुनील. तो वो ना मुझे इतना अच्छा लगता था वो कैरेक्टर, क्योंकि ना वो बहुत रियल था, वो ना झूठ भी बोलता है, वो किसी की बुराइयाँ भी करता है, माँ बाप से भी झूठ बोलता है, नकली रिजल्ट छाप के लेके आता है एक गुंडे के लिए, जो एक्शन में करते हैं लोग, सब कुछ है ना. और जब मैंने वो देखा था, वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया था कुंदन शाह जी ने उसको, वो फिल्म बहुत कमाल है. नसीर साहब है उसमें, सतीश शाह है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स है, और गाने बहुत कमाल है जतिन ललित के. तो वो जो मुझे देखा ना, जो छोटी सी बात में मैंने अमोल पालेकर को देखा कि फर्स्ट हाफ में लड़कियों से बात नहीं कर पा रहा, अंडर कॉन्फिडेंट है, अशोक कुमार आता है तो भाई साहब स्टड बन जाते हैं, तो वो मुझे रिलेट करता है. कथा का नसीर साहब का कैरेक्टर है राजाराम जोशी, इतना अच्छा इंसान है वो. कथा इज बेसिकली जो कछुआ और खरगोश की कथा है ना, उसके ऊपर सई परांजपे बहुत ग्रेट डायरेक्टर रही है हिंदी सिनेमा की, उन्होंने फिल्म बनाई थी सई जी ने,
तो नसीर साहब वॉज प्लेइंग कछुआ और फारूक शेख वो खरगोश, यू नो, इतना अच्छी, मैं बता नहीं सकता हूँ वो इतनी आज अच्छी मैं बैठ के देखूंगा ये मूवी जी। हाँ देख लेना, बहुत भाई बहुत ही ज्यादा। तो वो जो कथा में या कभी यहाँ कभी ना में या छोटी सी बात में एक प्योरिटी है, एक एक प्योरिटी है जो सिनेमा में अचीव करना आज की डेट में मुश्किल है। भले ही आपको जो सिंप्लिसिटी लोग बोलते हैं ना इज डिफिकल्ट, करेक्ट, तो वो वही चीज है। और सर कोई भी मूवीज पहले जो बॉलीवुड का मतलब कहते हैं ना कि बॉलीवुड जो रूल कर रहा था, आज साउथ रूल कर रहा है, जो भी कुछ कहते हैं, तो ये मतलब कुछ भले जवान सुपर हिट जाएगी इससे, मतलब जितनी भी मूवीज, कुछ मूवीज गई हैं हिट, मतलब कि भूल भुलैया 2 गई है, गदर 2 हिट गई है, इसमें भी लोगों ने ये बोला है कि भूल भुलैया 2 सीक्वल था इसलिए गदर 2 था सीक्वल, बट आज मूवीज क्यों नहीं चल रही? नहीं, इस महीने में तो बहुत ज़्यादा मूवीज चली है, ओ माय गॉड 2 चली, गदर चली, ये भी जवान बहुत अच्छी चलेगी, ड्रीम गर्ल 2 चली है, उससे बच्चा जरा हट के जरा बच के जो फिल्म थी उससे शुरुआत हुई और काफ़ी सारी फिल्में चलने लग गई। मुझे लगता है एक दौर था, एक फेज था, और सारी फिल्में चल रही है, ऐसे नहीं है। मैंने जस्ट बिकॉज आई एम अ सिनेमा फैन और आई कम फ्रॉम, मैं महाराष्ट्रियन हूँ और मेरी शुरुआत मराठी सिनेमा से हुई है, तो मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि ये, हालांकि मैं हिंदी फिल्में लिख रहा हूँ तो मैं एक्टिवली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट हूँ और हिंदी सिनेमा लिख रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए वो कभी था नहीं कि ये तेलुगु सिनेमा है या तमिल सिनेमा है, सब इंडियन सिनेमा। हाँ, किसी ने बोला कि यार ये पिक्चर आई है कि शिवाजी द बॉस, रजनीकांत, शंकर, तो हमने देख ली हिंदी में। अब मैं कई बार भूल जाता हूँ कि वो हिंदी पिक्चर नहीं है, वो तमिल है, लेकिन वो पूरा इंडियन सिनेमा ही तो है। हाँ, तो अब मैंने तो क्योंकि मैं मेरी शुरुआत ही मराठी सिनेमा से हुई है, तो मैंने हमेशा सिनेमा को उस नजर से देखा है, सब अपने ही है। हाँ, अब क्या हो गया कि जस्ट बिकॉज की और वो ऐसा नहीं हुआ कि साउथ ने कुछ अलग सिनेमा बनाना शुरू किया, उन्होंने वो वही सिनेमा बना रहे, हमको अभी अच्छा लग रहा है, हमारे द्वारा शायद पहुंचा अभी है, अब पहुंच गया, करेक्ट। हाँ, लेकिन वो तो कमर्शियल मेन स्ट्रीम की मलयालम हमेशा कंटेंट ड्रिवन सिनेमा बनाता रहा है, तमिल हमेशा तमिल सिनेमा में दो तरीके के फिल्म मेकर रहे, एक मासी भी रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल भी रहे हैं, करेक्ट, यू नो, कन्नड़ में भी थोड़ा मासी रहा है, तेलुगु बहुत ही मासी रहा है, करेक्ट। तो ये इनका ये शुरू से ही ऐसे ही है सारे चारों, अभी ऑडियंस बड़ा हो गया इनका, बस OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, करेक्ट, यू नो, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से एक बंगाली फिल्म देखते हो या तो फिर आप मलयालम फिल्म देखते हो और आपके दोस्त सजेस्ट करते हैं कि ये देख लो भाई, ये देख लो, फिर हम देख, वो हिंदी में डब भी होती है, इंग्लिश सबटाइटल भी होती है, जब से डब हिंदी में डब होना शुरू हुआ वहां से शुरू होने लग गए। हाँ, और इसका ये हो गया कि मैं बहुत सारे यूरोपियन अमेरिकन लोग हैं जो हमारा रीजनल सिनेमा देख के उसके रिव्यू करते रहते हैं, यू नो, सी वॉचिंग, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे मलयालम समझ नहीं आती, ठीक है, मुझे जर्मन भी समझ नहीं आती है ना, मैं जर्मन सिनेमा सबटाइटल के साथ देखता हूँ, मैं मलयालम सिनेमा भी सबटाइटल के साथ देखता हूँ, है ना, अब मेरे लिए सिनेमा है, करेक्ट, है ना, शायद मैं मलयालम ज्यादा समझ पाऊंगा क्योंकि मुझे कल्चर पता है, कल्चर पता है, मुझे पता है हमारे देश का ही है ऐसा सब कुछ है, तो उसको ज्यादा कनेक्ट करूंगा और वो शायद प्रायोरिटी उसको दूंगा, यू नो, तो वो हो गया, विच इज अ गुड थिंग ऑलवेज, करेक्ट। सिनेमा कोई भी ग्रो करना, क्योंकि टेक्नीशियंस यहाँ से वहाँ काम करते हैं, एक्टर्स यहाँ से वहाँ काम करते हैं, आई नो लैंग्वेज बैरियर है, बट दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, करेक्ट, कि इंडिया का कल्चर, जहाँ बात शुरू की, इतना बड़ा कल्चर है तो हर जगह से बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें निकल के आती हैं, और पूरा इंडियन ही सिनेमा है भाई। सत्यजीत रे साहब ने मेजरली बंगाली फिल्में बनाई हुई है, उन्होंने हिंदी फिल्में नहीं बनाई, तो ही इज एक्चुअली बंगाली मेन स्ट्रीम, मेजरली बंगाली फिल्म मेकर, यू कैन कॉल हिम, उनकी कहानियाँ जो उन्होंने लिखी है वो बंगाली में थी, तो ये एक बंगाली फिल्म मेकर है जो दुनिया का, इंडिया का सबसे महान फिल्म मेकर, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है जो इतने बड़े लेवल, जो कहलाता है कि जिसकी बात स्कॉर्सेसी भी करता है और जिसकी बात बड़े बड़े डायरेक्टर्स करते हैं, करेक्ट, जिसकी बात वेस एंडरसन भी करता है, वो बंगाली फिल्म मेकर है, और मैंने जो देखा है वो उसको सबटाइटल में देखा है सिनेमा, तो आई एम सेइंग कि दैट्स अ बेस्ट पार्ट कि उसमें कि सिर्फ हिंदी का ऐसा नहीं है, जो भी अच्छा लगे, आई गेस। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, सिनेमा स्पेशली बहुत कुछ देखा है, सीखा बहुत कुछ है आपने, लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए आपका लाइफ लेसन, कि एक होता नहीं मेरी ये बात संभाल के रखना जिंदगी में बहुत काम आएगी, तो आपका एक बेस्ट लाइफ लेसन। अरे बाप रे, मेरा लाइफ लेसन,
मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए काम की गई चीज़ है हुई वो है, वो बहुत कुछ बातें होती है जो ना किताबी लगती है हमको, शुरू में किताबी होती भी है, करेक्ट, तो हम किताबी सोच अच्छी बात इसलिए तो लिखी थी हाँ अच्छी बात इसलिए लिखी थी हम छोड़ देते हैं हाँ ठीक है, जैसे झूठ मत बोलो, करेक्ट, ऐसे कोई बोलता था हाँ ठीक है किताबी पढ़ना है भाई अच्छी बात, तो वैसे एक बात है कि मुझे लगता है कि पेशेंस जो चीज़ है ना, कि मुझे लगता है कि टाइम लगता है चीज़ों को, लेकिन होती है अगर आप मौजूद रहो, करते रहो, स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, कुछ भी है, एक करते रहो, अगर आपको किसी दूसरी डायरेक्शन में जाना है ट्राई करते रहो, बट पेशेंस रखो, और कोई टारगेट ये सेट करना मेरे मुझे नहीं अच्छा लगता कि 22 की उम्र तक ये हो जाना चाहिए, 25 तक वो हो जाना चाहिए, कि 25 तक शादी होगी, 27 तक बच्चा होगा, 40 तक मैं दादा बनूंगा, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये छोड़ के कि इन्जॉय करो प्रोसेस और करते रहो, आएगा वो टाइम, होगा अपना टाइम आएगा, अब सबका टाइम आएगा, करेक्ट, क्या बात है, सबका टाइम आएगा। एक छोटा सा गिफ्ट रखा है सर आपके लिए मैंने। अरे वाह। एक तो आपके इंस्टाग्राम पे कोई भी फोटो नहीं है जिसमें आपने ऐसे प्रॉपर फोटो शूट किया आपके ग्रुप में, दोस्तों का फोटो, पता नहीं वो बहुत अजीब, बड़ी मुश्किल से एक फोटो मिली जिसमें आप थोड़े हंस रहे हो। अरे यार थैंक यू यार, वो फोटो क्लिक होगी ना। अच्छा थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत ही अच्छा है। तो स्टोन पेपर सीजर, तो मैं जीत गया हूं, तो अभी पहले मैं बॉल डालूंगा। अरे भैया, कॉल योर रिसेंट फ्रेंड एंड यूज साउंड इफेक्ट्स टू नरेट अ फिक्शनल एडवेंचर और सिचुएशन, मेक स्पेसशिप नॉइसेस व्हाइल डिस्क्राइबिंग अ ट्रिप टू द ग्रोसरी स्टोर। मैं ट्राई कर रहा हूँ अपार शक्ति खुराना को। पाजी हैप्पी एनिवर्सरी पाजी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू पाजी। और एक मैं आपको कहानी बताना चाहता हूँ। तो एक बेसिकली एक कहानी है पाजी मेरे पास, मैं आपको बताना चाहता था कि एक कार रेस की कहानी है पाजी। ओके। तो कार जो है वो मुंबई से लोनावला जा रही है, और फरारी है तो पूरा साउंड वहां पे हो रहा है ना, और वहां पहुंच के कुछ होता है, जैसे वहां पहुंच के एक बंगलों में कुछ हॉरर हो रहा है। हाँ वहां पे एंड में पता चलता है स्पेसशिप से एलियन आते, तो अभी तो उनको दोबारा कॉल आएगा। अच्छा आप उन्हें मैसेज कर दोगे? नहीं अभी मैं उनको बताता हूँ, उनसे बात करेंगे यार। हाँ हेलो पाजी। हाँ जी पाजी आवाज तो, पाजी नहीं लोनावला पहुंचते एलियन आते स्पेसशिप से, तो इतनी कहानी मेरे को पता है क्योंकि मैं एक पॉडकास्ट पे हूँ पाजी। तो उन्होंने कहा कि आपके एक एक्टर में हार गया, तो उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा एक्टर दोस्त को फोन करके कहानी बताओ और आवाजें निकालो। तो मैंने कहा कौन है जो मुझे बेवकूफ नहीं समझेगा, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। तो आप भी तो मुझे इसलिए तो मैं और आगे जाने वाला था, तो हमारे तो मैं मेरे मुझे ये हुआ कि यार मुझे उसको बताने दो, वो सोचता रहेगा कि यार क्या हो गया इसको। अरे नहीं मैं रात भर सोचता रहता कि आगे क्या होगा। तो पाजी ये दिव्यांश राणा हमारे दोस्त है, उनका एक पॉडकास्ट है, वहां मैं आया हूँ। सब परफेक्ट सर। हेलो भैया, माय नेम इज दिव्यांश। नहीं मैं आपको जल्दी बुलाऊंगा पक्का, मैं इंतजार करूंगा आपका। मुझे यार अच्छा इनके अपार की एक अच्छी बात कि आप कुछ भी सुनाओ वो अच्छे से सुनेंगे, सोचेंगे, फिर 3 दिन बाद बताएंगे कि वो अच्छा लग रहा है आपको। But, और it doesn't end here. देखो ऐसे ना, दिव्यांश तुम एक ऐसे राइटर के साथ बैठे हो जिनको मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। बी आई मीन ही इज मोर देन अ ब्रदर टू मी। आप देखो कितना ज्यादा मैं सीरियसली लेता हूँ, मेरे फोन करे दोबारा कॉल देख के आपने करे तो एलियन आके क्या होता है। अरे पाजी लव यू पाजी यार। एक और बता दूं सर मैं आपको, क्या बात
हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भैया आपको। थैंक यू सो मच यार, अभी डिनर खत्म करके आए हैं दोस्तों का। तो यार कांग्रेचुलेशंस, आपके पॉडकास्ट पे एक नई कहानी हुई है, और अगर ये 100 करोड़ पहुंच गए तो दिव्यांश तो तुम डेफिनेटली यू नो इस पे काम करेंगे। तुम्हारे से शुरू हुई थी बात, और लुका छुपी पहुंची है 100 करोड़ तक, बीबी को तो नेशनल अवार्ड मिला है। करेक्ट, इसलिए तुम कुछ ना कुछ बीच में कमीशन रख लेना। डन, पक्का। थैंक यू भाई आइडिया के लिए आपका, थैंक यू सो मच। मेरी बारी क्यों नहीं आ रही सर? यार अभी लग गई बात ईगो पे। अरे यार मुझे उससे एक्सेंट चैलेंज, परफॉर्म वेरियस एक्सेंट इवन इफ दे आर हिलेरियसली इनएक्यूरेट फॉर 2 मिनट व्हाइल प्लेइंग द गेम। वी हम अच्छा, काफी अच्छा गेम लगाया हमको आपका, बहुत बढ़िया कर रहे भाई। थैंक यू सर। भैया आप ही जीतते जा रहे हो। चीटिंग 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 करता है तू, है ना? हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है। कंटिन्यू, आप बोल सकते हो। बात तो बात ये है, रियल लाइफ न्यूज स्टोरी विद अ स्क्रीन प्ले टेकर। ये बात कर रहे हो? ये पूरा पढ़ो भैया। हां, अडैप्ट अ नी रियल लाइफ न्यूज स्टोरी इनटू अ स्क्रीन प्ले, टेक अ रीसेंट न्यूज हेडलाइनिंग द टाउन इनटू अ कॉम्प्लेक्स स्क्रीन प्ले व्हाइल एडिंग डेप्थ एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। रीसेंट न्यूज, G20 समिट, और क्या है? G20 समिट, G20 समिट, फर्स्ट सीन इंडियन दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी, एक बंदा प्लेन उतरता है, एक बंदा आता है, और आने के बाद उसकी बहुत सारी चेकिंग होती है हमेशा की तरह, और वो बाहर आता है, टैक्सी में बैठता है, और भैया वो टैक्सी वाले को बोलता है G20 समिट चलिए। टैक्सी वाला उसको G20 समिट लेके जा रहा है। बातें चलते चलते टैक्सी वाला उसको बता भी रहा है कि अरे दिल्ली में भैया क्या होता है, ये रोड सड़कें भिड़ के तो अभी बन गई, G20 समिट हो रहा है तो अभी इसको कॉमेडी करेंगे। G20 समिट हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। हम तो कहते हैं कि भाई हर महीने एक G20 समिट होना चाहिए, साला कचरा तो साफ होगा। क्या बात है, है ना? तो ऐसे कुछ बोल रहा है, उसको लेके जाता है, और ये बंदा G20 समिट में पहुंचता है, और उसको पूछते और ये राहुल गांधी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जी हो सकता है। उसको पूछते सर आप तो, ये कहता है कि तो ये इंग्लिश एक्सेंट में बेसिकली बात कर रहा है, अमेरिकन एक्सेंट में, और इसको पूछा जाता है कि आप कहाँ से हो, तो बोलते हैं अमेरिका। तो उसको बोलते हैं अच्छा आप तो, डू यू नो अबाउट इंडिया? तो यस आई नो टू पीपल, टेल मी। ही सेड वन इज स्वामी विवेकानंदन। स्वामी विवेकानंदन। अरे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए सर, आइए। क्या बात है। अरे यार सर, इस गेम का मैं बताता हूँ आपको, अगर सामने वाला कर रहा है ना डेयर, तब बहुत बहुत मजा आता है यार। ये तो मैं ही के जा रहा हूँ, एक चिट्ठी बची है भाई यार। तो ये इस गेम का ही थोड़ा है। एक चिट्ठी तो कर लो यार सर, हाथ दिया भाई साहब, ये तो कुछ सीन है। तो फाइव ऑल फाइव लव। तो ये हमारा अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है क्या हमारा? अच्छा? हाँ। तो अभी तक इतना, मैं इतना बड़ा लूजर हूं मैं, इतना घटिया प्लेयर, अभी गजब बेइज्जती है, इतना घटिया प्लेयर नहीं आया, इतना बड़ा लूजर भाई। हां मैंने इतना ट्राई किया है। नहीं नहीं, मुझे लाइक शाहरुख फॉर द नेक्स्ट टू टर्न्स, अभी तो टर्न नहीं गया टर्न, अभी शाहरुख की तरह आपको एक्ट करना है। अभी हमारे स्क्रीन राइटर एक्टर, क्या बात है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर रोहन शंकर। नहीं तो भाई शाहरुख, ये शाहरुख खान का वीर जारा वाला ये जो वॉक था ना, जानम देख लो, ये वाला था। तो ये वाला तो सब सब करते तो ही है कैमरे के सामने, ये तो सब करते ही है, ऐसे फील के साथ करना है। अच्छा कुछ कुछ होता है, ये बहुत ही बकवास शाहरुख। बट मिथुन 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 दा, मुझे मिथुन दा का बहुत अच्छा लगता था, मिथुन दा मिथुन दा ऐसे करते, ये वाला डांस होता था। तो यार वो पता नहीं, वो उसमें बहुत हर एक एक्टर में उस टाइम स्टाइल हुआ करती थी ना। करेक्ट, सनी पाजी का था या हाँ हाँ ये वाला। मैं ट्राई करता था अमरीश पुरी जी की आवाज निकालना, मैं ऐसे करता था कि गोविंद, तो ये दामिनी फिल्म का कुछ सीन था,
कि तो सनी देओल बोलते हैं, चड्डा तूने कभी चड्डा तूने कभी बिजली की तारों में पतंग अटकी हुई देखी है? कुछ तारे ऐसी होती है जहां से बच्चा भी पतंग निकाल लेता है। दामिनी के केस को छू के जो तार तूने छेड़ दिए चड्डा। तो अमरीश पुरी जाना गोविंद ऐसे चिल्ला। तो ये कुछ चीजें मुझे अच्छी लगती थी। चलो क्या बात है, खत्म करते हैं अभी। थैंक यू। फाइव लव से क्लियर हार हुई, आप कैसा लगा आपको? यार मुझे तो मजा आया। और मुझे ये देख के ऐसा लगा था कि मैं जीतूंगा। हाँ। अगली बार जो भी गेस्ट पॉडकास्ट में आ रहा है मैं उनसे कहूंगा आप उस साइड जाके ये खेलिए, उस साइड जाके खेलिए। आई डोंट नो समथिंग मुझे गड़बड़ लगा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आप आए पहले। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया मुझे। थैंक यू वेरी मच। बहुत कुछ वर्ल्ड सिनेमा के बारे में पता लगा, इंडियन सिनेमा के बारे में पता लगा, हमें पिरामिड्स के बारे में पता लगा, किसी को सभ्यता के बारे में पता लगा आज हमें, और एज अ पर्सन आपके बारे में आज हमें जानने को मिला। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। हाँ, तो नीचे आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट देखेंगे, आप फॉलो कर सकते हैं हमें, और प्लीज सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हम ऐसे हक करके खत्म करते हैं सारे एपिसोड। यस, अच्छी बुरी मीठी की बातें बातें विद दिव्यांश राणा।